तो नमस्कार दोस्तों, मैं लवी ठाकुर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी में। और आज दोस्तों मैं आपको कोई फ्लोर दिखाने नहीं आया हूं, कोई बिल्डर फ्लैट दिखाने नहीं आया हूं, आज मैं आपको दिखाने आया हूं मकान। मकान मतलब ऐसा मकान जिसमें सारे फ्लोर आपके होंगे, ग्राउंड फ्लोर भी आपका होगा, फर्स्ट फ्लोर भी आपका होगा, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट हाउस, जिसमें जड़ से हम आपको घर बना के देते हैं। और हम पिछले कुछ टाइम से आपके लिए जड़ के ऊपर ही वर्किंग कर रहे हैं, आपके लिए जड़ के साथ फ्लैट हम घर पूरा बना के हम आपको तैयार करवा के दे रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आज के टाइम पे फ्लोरों की दुनिया में ऐसा हो चुका है कि जिसके पास अपनी भी एक एक जड़ है वो भी उसको तोड़ के फ्लोर बना रहा है। तो इन फ्लोरों के बीच में हम आपके लिए थोड़ा सा प्रयास करें कि अब आपके लिए हम कुछ जड़ वाले सौदे आपके लिए तैयार करें, इंडिपेंडेंट हाउस आपके लिए तैयार करें। तो मैं आपको कुछ बातें बता, इसके बारे में पहले बता देता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट हाउस आपको मिलते हैं ये आपको मेट्रो रोड से तकरीबन थोड़े से डिस्टेंस में मिलते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस में रहेंगे। क्योंकि रोड के पास आजकल जैसा मैंने आपको बताया कि किसके पास अगर कोई जड़ पड़ी है तो इंडिपेंडेंट हाउस बनाने के बजाय उस पर फ्लोर बना देता है। बट लेकिन अभी हम आपके लिए जो इंडिपेंडेंट हाउस तैयार करवा रहे हैं वो कुछ लोकेशंस पे तैयार करवा रहे हैं, जैसे कि मोहन गार्डन में आपके लिए तैयार करवा रहे हैं, द्वारका मोड़ पे आपके लिए तैयार करवा रहे हैं। अभी मैं आपको जो सैंपल दिखाऊंगा, ये मेरा 40 गज का फ्लोर अपना इंडिपेंडेंट हाउस है जड़ से, जो ऑन पेपर 40 गज है बट आप इसको यूज़ करते हैं तकरीबन 45 गज के आसपास। इसी लोकेशन पे मेरा एक इंडिपेंडेंट हाउस और तैयार हो रहा है जो इसी की दो गली छोड़ के है, वो ऑन पेपर 42 गज है, आप उसको यूज़ करते हैं तकरीबन 48 गज। कुछ इंडिपेंडेंट हाउस आपके लिए तैयार करवा रहा हूँ द्वारका मोड़ की लोकेशन पे, वहाँ पे 55 फुट रोड है, वहाँ पे कुछ फ्लोर आपका इंडिपेंडेंट, बार बार फ्लोर मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि इससे पहले फ्लोर ही आपके लिए बनाया बट अब कुछ हटके आपके लिए तैयार करवाए, वो भी आप ही की रिक्वेस्ट पे कि कुछ इंडिपेंडेंट हाउस आप लोगों को चाहिए थे तो इस करके बार बार मुंह से फ्लोर निकल जाता है। बट अभी कुछ इंडिपेंडेंट हाउस आपके लिए द्वारका मोड़ की लोकेशन में भी तैयार करवाए हैं 55 फुट रोड के ऊपर, वहाँ पे मेरे 4 इंडिपेंडेंट फ्लोर बन रहे हैं, 60 गज में बन रहा है, 2 50 गज में और 1 40 गज में बन रहा है। इन सभी का जो प्राइस आप जान सकते हैं मेरे चैनल के फ़ोन कॉल पे फ़ोन करके, वहाँ पे आपको सारे जो हमारी कुछ जड़ जो बन रही है इनके प्राइस आपको पता लग जाएंगे। बट मैं आपको आज एक सैंपल के रूप में ये 40 गज का अपना इंडिपेंडेंट हाउस दिखा रहा हूँ कि आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का ये हम इंडिपेंडेंट जो हाउस तैयार करवा रहे हैं वो कैसा आपका रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ आज के अपने इस 45 गज जड़ की जो कि आपको ऑन पेपर 40 गज मिलने वाली है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फ्रंट की गली दिखा देता हूँ कि आप किसी फ्रंट की गली देखिए कि तकरीबन 22 से 25 फुट चौड़ी गली है जो आपको फ्रंट में दोस्तों मिलने वाली है। आप यहां से देख सकते हैं ये काफ़ी चौड़ा रोड है, आराम से 22 से 25 फुट चौड़ी ये गली है और प्रॉपर पक्की आरसीसी की सीमेंटेड पक्की रोड है। सीवरेज का सारा काम है, इलेक्ट्रिसिटी आप यहां पे देख सकते हैं और गैस की पाइपलाइन आप देख सकते हैं कि आपको पीले रंग की जो लाइन दिख रही है आपके पीछे भी, इधर देख सकते हैं, इधर देख रहे हैं, ये गैस की पाइपलाइन है जो कि प्रॉपर यहां पे शिफ्ट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे अपने इंडिपेंडेंट हाउस की, तो ये फ्रंट एलिवेशन आप देखिए कि डुप्लेक्स हम आपको इसमें बना के दे रहे हैं, टाइल्स वर्क आप देख सकते हैं कि ब्राउन वाइट कॉम्बिनेशन के साथ है और इसी के फ्रंट में आपका ये थोड़ा सा हम इसको थड़ा बोलते हैं कि थड़ा हम आपको बना के दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपने गमले वगैरह लग सकते हैं ताकि आपका जो घर है बाहर से हरा भरा दिखेगा, तो और फ्रंट में ही हम आपको ये आयरन का डोर लगा के दे रहे हैं। डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना शानदार है, लॉक के साथ हम आपको ये डोर लगा के दे रहे हैं दोस्तों, और जस्ट इसी के साथ में पूरी विंडो हम आपको बना के दे रहे हैं। अब जस्ट यहाँ से एंट्री करेंगे और आप ये देख सकते हैं कि इसका जो लेवल है आपकी गली से तकरीबन 3 से 3.5 फुट ऊंचा है जो हम आपको बना के दे रहे हैं। अब यहाँ से एंटर करेंगे तो आयरन डोर आपको मिल रहा है, वुडन का डोर आपको मिल रहा है और एंटर करते ही सबसे पहले ड्राइंग रूम आपको काफ़ी अच्छा बड़ा बना के दे रहे हैं। नाना करते भी 10x12 का ये डायमेंशन के साथ आपको ये इसका ड्राइंग रूम दोस्तों मिल रहा है। अब ड्राइंग रूम के अंदर हमने एल शेप में वॉलपेपर आपके लिए लगा के दिया गया है और एल शेप वॉलपेपर यहाँ पे आपका नाइट लैंप आ गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसकी फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा डिज़ाइन है, उसके ऊपर हम आपको एक झूमर वाला फ़ैन दोस्तों लगा के दे रहे हैं। क्योंकि एक फ्लोर के अंदर जितना चकाचौन दोस्तों निकल के आता है ना जड़ में, उसके मुताबिक नहीं आता बट क्या है कि जड़ भी आप लोगों को पता है कि जिसमें आपको हर चीज़ आप ही की रहती है, मीन्स आपको ऊपर नीचे की कोई रोक टोक नहीं रहती क्योंकि यहाँ पर आपका हर चीज़ आप ही की है। तो यहाँ पर वेंटिलेशन आपका आ जाता है, ऊपर आपका विंडो एसी लग जाएगा और एसी के स्विच के लिए यहाँ पर पावर का स्विच आ गया और नीचे अपना नेचुरल एयर के लिए विंडो आ गई ताकि किसी तरीके की सफोकेशन आ रहे, हवा का जो एयर पास है फ्लो आपका कंटिन्यू रहे। इस तरफ आपका एमसीबी बॉक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर एमसीबी बॉक्स लगा दिए गए हैं ताकि अगर आपको घर से जाना पड़े तो आप एक ही स्विच से पूरे घर की लाइट्स कंट्रोल दोस्तों कर सकते हैं। अब जस्ट आपके ड्राइंग रूम के साथ में हमारा स्टेयरकेस जो कि हम आपके फर्स्ट फ्लोर पे आपके लिए जाता है, इसमें हम डुप्लेक्स आपको बना के दे रहे हैं तो ऊपर भी सेम ऐसा पोर्शन है, वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे। ये हमारा वॉशरूम रहता है गेस्ट के लिए। अब इसके साथ में रहता है हमारा एल टाइप में किचन जो कि कंप्लीट मॉड्यूलर हम आपको बना के दे रहे हैं
ऊपर भी देख सकते हैं रैक्स है, नीचे भी कंप्लीट रैक्स है, मार्बल लगा दिया गया, चिमनी का काम अभी होना दोस्तों बाकी है, और अभी हल्की फुल्की फिनिशिंग इस घर में दोस्तों थोड़ी थोड़ी सी बाकी है। बाकी ये इसका बेडरूम रहता है, और बेडरूम में भी आप देख सकते हैं इसका भी डायमेंशन बहुत अच्छा है, 10x12 का ये भी आपको बेडरूम मिलने वाला है। इसके पीछे भी वॉलपेपर लगा दिया है, इसमें कुछ थोड़ा सा हटके आपके लिए काम करवाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट दोनों वॉल्स पे लूवर्स का काम आपके लिए करवाया गया, जिसके बीच में स्ट्रिप लाइट लगा दी गई है, और सामने आपका LCD पैनल हम आपके लिए लगा दिया है, जहाँ पे आप अपना LCD TV लगा के शाम को एंजॉय वगैरह दोस्तों कर सकते हैं। फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे भी अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन हम आपको बना के दे रहे हैं, फैन लगा दिया गया है, कॉब लाइट्स सारी आपको इसमें लगा के दे रहे हैं। तो ये था इसका प्रॉपर ग्राउंड लेवल का, कि ग्राउंड लेवल पे हम आपको किस तरीके का नक्शा तैयार करवा के दे रहे हैं। अब स्टेयर केस से चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे, कि वो आपके लिए कैसा रखा गया है। और ये है दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पे अप्रोक्सीमेट सेम ही नक्शा आपको मिलने वाला है, कि इसके भी फ्रंट में जो आपने नीचे ड्राइंग रूम देखा था ये प्रॉपर वही रूम है, बट आपको ये बेडरूम की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर। और साइज़ उतना ही है 10x12 का, यहाँ पे भी वॉलपेपर आपके लिए लगा दिया गया है, इसमें भी वेंटिलेशन आपको कंप्लीट मिलने वाली है, ऊपर विंडो AC, नीचे पूरी खिड़की आ गई, और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा खासा डिज़ाइन आपको बना के दे रहे हैं। फैन है इधर, नाइट लैंप आ गया, ये फ्रंट की बालकनी आ गई, और बालकनी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साइज़ है। फ्रंट में SS का काम है, और इस तरफ आपका टैप टूटी कपड़े धोने के लिए, और फ्रंट में गली आपने देख ही लिया कितनी बड़ी गली है। और जस्ट ठीक इसी के साथ में यहाँ से भी अगर हम चलेंगे बैक अपने पीछे वाले रूम में, तो ये हमारी स्टेयरकेस थी, और ये हमारा वॉशरूम आ गया, साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और सब कुछ सामान लगा के दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपका रहता है दोस्तों अनदर बेडरूम एरिया, इसके अंदर यहाँ पे हमने छोटा सा एक किचन बनाया गया, कि अगर आपको ऊपर का रूम या ऊपर का फ्लोर रेंट पे देना है तो एक सेपरेट किचन आपका आ जाता है, L-टाइप में कम्प्लीट मॉड्यूलर है, सामने LCD पैनल है, तो आप चाहो तो इसको अपना एक यहाँ पे बेडरूम लगा के या सोफ़ा का बेड कुछ भी लगा के इसको जिस मर्जी तरीके से दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। इसके भी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना अच्छा बड़ा है। और अब इस घर का सबसे मेन चीज़ जो लोग लेते क्यों हैं, कि इंडिपेंडेंट हाउस क्यों चाहिए हमें, वो होता है इसका छत का पार्ट, जो कि पूरा का पूरा आपका रहता है, किसी का इंटरफेयर नहीं रहता। वो छत आपके लिए कैसे तैयार करवाइए, चलते हैं छत के ऊपर। तो ये रहती है दोस्तों इस मकान की, इस इंडिपेंडेंट हाउस की सबसे खास चीज़ जो कि रहती है इसकी छत, क्योंकि कंप्लीट आपको पूरी छत दोस्तों मिलने वाले, कहीं भी घूमिए, कहीं भी बैठिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि ये छत पूरी की पूरी ज़मीन से लेके यहाँ तक दोस्तों आपकी रहने वाली है। और सबसे एक और ख़ास बात क्या है, कि इसके ऊपर आप दो फ्लोर और भी बना सकते हैं, उसकी भी आज़ादी आपको दोस्तों मिलती है। तो यानी कि ऐसा घर जिसमें आप कुछ भी कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, पूरा का पूरा घर आपको होने वाला है। सब घर छत देख सकते हैं कि छत कितनी शानदार बनेगी, मॉन्टी एरिया आपका रहता है, ऊपर वाटर टैंक आपके लिए रखवा दिया जाएगा, और ये देख सकते हैं ये इधर की छत है, तो कितनी अच्छी बड़ी छत है। और अगस्त का महीना, अगस्त के महीने में तो लोगों को छतों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पतंगबाजी जो करनी होती है, और पतंग के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, छत होना। और ऐसा छत जो मैं आज आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, छत तो आपकी है ही है ही है, छत के साथ साथ छत के नीचे का फ्लोर भी आपका है, उससे नीचे का फ्लोर भी आपका है, मीन्स पूरा का पूरा घर ही आपका होने वाला है। तो आ जाइए फटाफट से वेस्ट दिल्ली की प्रॉपर्टी के ऑफिस में, जहाँ पे आपको दिखाएंगे आपके लिए मुताबिक, आपके बजट के अकॉर्डिंग ये इंडिपेंडेंट हाउस, जो आपके लिए अब अलग अलग लोकेशन में कुछ कुछ साइजेस के हम इंडिपेंडेंट हाउस आपके लिए तैयार करवाए गए हैं, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये जो फ्लो अभी आपको जो घर दिखाया ये ऑन पेपर 40 गज यूज़ करेंगे 45 गज, इसी में दो गली छोड़ के एक और आपका इंडिपेंडेंट हाउस तैयार हो रहा है ऑन पेपर 42 गज यूज़ करेंगे 48 गज, और द्वारका मोड़ 55 फुट रोड की लोकेशन में वहाँ पे भी कुछ जड़े आपके लिए तैयार करवा के दे रहे हैं 60, 50, 40, और भी अलग अलग लोकेशन में कुछ कुछ जड़े आपके लिए दोस्तों तैयार हो रहे हैं, जो कि जिसके अंदर अभी काम चल रहा है, बट आज आपको ये जो दिखाने का मेन है और बनते बनते दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगस्त का महीना है, 15 अगस्त आ रहा है, फटाफट आप इसकी बुकिंग कीजिए और इस इंडिपेंडेंट हाउस को अपना बनाइए दोस्तों। तो इसी के साथ अपने दोस्त लवि ठाकुर दीजिए इजाज़त। मकान कैसा लगा, घर कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि आप जो लोग किराए पर रह रहे हो अपना दोस्तों घर ले सकते हैं। और लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको तो आपने ज़रूर प्रेस करना है बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपके पास मेरे हर बजट की वीडियो टाइम टू टाइम दोस्तों आ सके। और इसी के साथ अपने दोस्त लवि ठाकुर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अपनी नई कंस्ट्रक्शन में, नई बिल्डिंग में, नई वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, रब रखा, जय हिंद।